चलिए, एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 है, ज्ञात कीजिए। अब ये जो है आपका कक्षा 7 का 8B का क्वेश्चन नंबर 4th है, तो चलिए इसको हल करते हैं। विद्यालय में कुल 2x कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या है एक्स का क्यूब 2x प्लस 2 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या मल्टीप्लाई करना है 2x से एक्स क्यूब 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 2x से एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस लगा देंगे, फिर 2x से 2x में करेंगे, 2x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 2 कर देंगे। अब उसके बाद 2x से अगर हम इसमें मल्टी एक्स क्यूब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रहेगा ही, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। एक्स का पावर 3 था, एक एक्स और आ गया, एक्स का पावर 4 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 4 और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद ये आंसर निकला है आपके। अब इसको करना, यदि एक्स बराबर 3 मान ले तो आंसर ये निकला है 2x4 प्लस 4x2 प्लस 4x। अब यहाँ पे एक्स बराबर 3 रखने पर एक्स बराबर 3 मान लेंगे तो क्या होगा, 2 रहेगा ही, 3 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 4 इंटू 3। अब उसके बाद ये 2 है ही, 3 का पावर 4 है, यानी 3 4 बार मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 है, 3 का पावर 2 है, यानी 3 2 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 3 12 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 3 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 54 3 कितना होगा, 54 3 150, 162 होगा, 54 3 162, 2 6 6 18 18 54, 54 3 162 होगा, कितना होगा, 162 प्लस 4 3 12, अब 12 3 36 होगा, प्लस 12 का 12 रहेगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए पूरा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 162 में 36 जोड़ना है, 162 में 36 जोड़ना है, 6 2 8, 6 3 9, 198 हो जाएगा, प्लस 12 रहेगा। अब 198 में हम 12 ऐड कर देंगे, 8 2 10, 9 9 1 10 11, 210 कितना हो जाएगा, 210, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हम अगला देखते हैं, ये वाला सवाल देख लेते हैं, 5वां। एक रेलगाड़ी की चाल 2x² प्लस एक्स प्लस 4 की प्रति घंटा है, वह 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है। दूरी पूछा है, दूरी का फार्मूला है बराबर
चाल घूरते समय, चाल घूरते समय। अब चाल कितना है, चाल है 2x² + x + 4 और समय है 3x। तो दूरी बराबर 3x × 2x² + 4 तो बराबर, पहले 3x से गुणा करेंगे 2x² में, फिर प्लस लगाएंगे, 3x से गुणा करेंगे फिर x में, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3x से गुणा करेंगे 4 में, 4 उसके बाद फिर आगे हल करेंगे, 2 × 3 = 6, x² था, एक x और आ गया, x³ हो गया, प्लस 3x था, एक x और आ गया, 3x² हो गया, प्लस 4 × 3 = 12x हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब अगले सवाल में देखिए, उसी का पांचवे का दूसरा सवाल है। यदि x = 5 हो तो उपयुक्त समय रेलगाड़ी द्वारा चालित दूरी ज्ञात कीजिए करना है। तो यहाँ पे जो है आपको 6x³ + 3x² + 12x लिख दिए। अब यहाँ पे x = 5 रखने पर x = 5 मानना है, तो फिर क्या होगा, 6 × 5³ + 3 × 5² + 12² = 5 हो जाएगा, बराबर 6 है ही, 6 + 5³ यानी 5 × 5 = 5 हो जाएगा, प्लस 3 × 5² है तो 5 × 5 + 12 × 5 = 60 हो जाएगा। अब बराबर 5 × 5 = 25, 5 × 125 छक्का कितना होगा, 125 छक्का 6 × 5 = 0, 6 × 2 = 12, 3 = 15, 6 × 6 = 7, 750 कितना होगा, 750 हो जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, 75 ये हो जाएगा, प्लस 60 ये हो जाएगा, बराबर कितना होगा, इसमें हो गया 825, 60 जोड़ दिए, 850 ही आएगा, कितना आएगा, 850 ही इसका आपका आंसर होगा। अब उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ, इसको भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एक न्यायालय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। तो न्याय पंचायत में कुल नल को बराबर 2x + 3x² + 6 से गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद आपको, अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई करते हैं पहले पूरे पद में, x² + 5x + 6 में, फिर +3 से मल्टीप्लाई करते हैं x² + 5x + 6 में। अब 2x से मल्टीप्लाई x² + 2x से मल्टीप्लाई 5x + 2x से मल्टीप्लाई
टू एक्स से मल्टीप्लाई सिक्स में, फिर प्लस थ्री से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, फिर प्लस थ्री से मल्टीप्लाई फाइव एक्स में, फिर प्लस थ्री से मल्टीप्लाई सिक्स में। अब यहाँ पे टू ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर था एक एक्स और आ गया, एक्स क्यूब हो गया, प्लस दो पंचे दस एक्स 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 स्क्वायर हो गया, प्लस दो छंग बारह एक्स, प्लस ये आपका थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पांतियाई पंद्रह एक्स, प्लस छत्रिक अट्ठारह हो गया। अब बराबर ये तो घाते टू एक्स घाते तीन की यही अकेली संख्या है, स्क्वायर में ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो क्या हो जाएगा तेरह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दस और तीन जोड़ दिए तेरह एक्स स्क्वायर हो गया, बारह एक्स यहाँ पे है, पंद्रह यहाँ पे है, तो बारह पंद्रह सत्ताईस एक्स प्लस अठारह, यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।